हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के टाइप्स बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। मेरा नाम है चंदन पाठक और ऑफ़ कोर्स अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, और बूस्टअप भी करता है मुझे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी तीन तरह की होती है, बट क्वेश्चन हमेशा हमारे दिमाग में आता है कि वाई इंडिया एडॉप्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। आज के सेशन के बाद आप ये क्वेश्चन आप दोबारा नहीं पूछेंगे किसी से, कभी भी आप कन्फ्यूज में नहीं रहेंगे, कभी भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट नहीं होने वाली है। सबसे पहली बात, इकोनॉमी क्या है? तो भैया, इकोनॉमी सिंपल सी चीज़ है, एक प्रोसेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे लोग, इट मीन्स ह्यूमन बींग पीपल, इंगेज रहते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अरे भैया, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? विच आर एसोसिएटेड विद द प्रॉफिट मोटिव, यानी कि वो सारी एक्टिविटी जो प्रॉफिट मोटिव से हो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है, लाइक कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर बाउले के हिसाब से कहूँ तो इकोनॉमी इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर पीपल इंगेज्ड इन देयर लाइवलीहुड, यानी कि अर्थव्यवस्था वो प्रणाली है जहाँ लोग अपनी आजीविका अर्जित करते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, तीन तरह की इकोनॉमी होती है, तीन तरह की इकोनॉमी। मतलब हमारा मॉडल इतना बढ़िया था कि हमारे पड़ोसी देश इवन पाकिस्तान ने भी मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करी, ये भी सोचिएगा। यानी कि सबसे पहला है कैपिटलिस्ट एंड सेकेंड है आप लोगों का मिक्स्ड। आप चाहें तो मेरी बुक भी गो थ्रू कर सकते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी, एंड थर्ड वन इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। ध्यान से समझिएगा और अच्छे से अगर हो सके तो लिख भी लीजिएगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मीनिंग क्या है? देखिए, यहाँ पर एक चीज़ जो आपको सबसे अच्छे तरीके से समझनी है वो है इकोनॉमिक डिसीजन। इकोनॉमिक डिसीजन तीन तरह की होती है, अगर आपको कभी भी इसमें दिक्कत लगे तो आप सर्च करिएगा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी बाय चंदन पाठक, मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली तीन तरह की होती है, या इकोनॉमी सिलेक्शन जो होती है, कोई भी इकोनॉमी, चाहे वो प्रोस्पेरियस हो, डेवलप्ड वर्ल्ड बोलो, अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड बोलो, डेवलपिंग बोलो, हर इकोनॉमी के सामने प्रॉब्लम होती है सिलेक्शन, यानी कि वो तीन तरह की सिलेक्शन होती है, दैट इज़ व्हाट, सेकेंड वन इज़ हाउ, एंड थर्ड वन इज फॉर होम। कहने का क्या मतलब हुआ, वट इज दैट इज सेलेक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि इकोनॉमी को सबसे पहले ये डिसाइड करना ही है कि वो कौन सी गुड्स सेलेक्ट करे, यानी कि कौन सा वो प्रोड्यूस करे, उसे टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए प्रोडक्शन की, एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे करे। बट इसको हम स्किप करते हैं, बट ये समझिएगा इकोनॉमिक प्रॉब्लम या इकोनॉमिक डिसीजन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कह लीजिए, या हम यहाँ पर अपने टॉपिक के हिसाब से क्या वर्ड यूज करते हैं, इकोनॉमिक डिसीजन। तो इकोनॉमी चाहे डेवलप्ड हो, चाहे अंडर डेवलप्ड हो, चाहे डेवलपिंग हो, हर इकोनॉमी को इकोनॉमिक डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब वो इकोनॉमिक डिसीजंस, ध्यान सुनेगा, व्हाट, हाउ और फॉर होम, वो डिपेंड करेगा इकोनॉमी में सेंट्रल अथॉरिटी किसके पास है, यानी कि इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है। आपको पता है कि जो इंडिया है, इंडिया एक फेडरलिज्म है, संघवाद देश है, यहाँ पर जो डिसीजंस की तरीके हैं वो सबसे पहले लोकल, फिर स्टेट, फिर सेंट्रल, मैंने अलग अलग तरीके से डिवाइडेड है। तो कहने का मतलब यहाँ पे सारा जो डिसीजन आता है वो अथॉरिटी, अब अथॉरिटी जो है वो कौन है, ठीक है, यानी कि अथॉरिटी इन द सेंस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसा मॉडल था जहाँ पर सारा का सारा डिसीजंस इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया जाता था, किसको दिया जाता था, इंडस्ट्रियलिस्ट को, और आपकी भाषा में अगर कहा जाए तो किसके ऊपर छोड़ दिया जाता था, मार्केट के ऊपर। तो इसलिए हम लोग इसको बेसिकली क्या बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, यानी कि वेयर ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस टेकन बाय द मार्केट फोर्सेस। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं बात करता हूँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है, वेयर ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस टेकन बाय द मार्केट फोर्सेस या सेंट्रल अथॉरिटी, यानी कि कोई एक बंदा डिसाइड करेगा उस चीज़ की पोजिशन, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, इंडिया एक ऐसा मॉडल था, या इंडिया जब 1947 से लेकर 1950 तक की बात अगर मैं कहूँ, जब 1951 में प्लानिंग यानी फर्स्ट प्लान आया और 1950 में जब प्लानिंग कमीशन सेट हुआ था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो रिकमेंडेशन थी, उन्होंने कैपिटलिस्ट का मॉडल अवॉइड किया और सोशलिस्ट का एग्जाम्पल उनके सामने पूरा का पूरा रूस था,
रूस में मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक ग्रेट एग्जांपल था। अब यहाँ पे सोशलिस्ट का मतलब क्या था, सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे सारी की सारी जो अंडरटेकिंग थी वो गवर्नमेंट अपने पास रखती थी, यानी कि अगर आप कह सकते हैं हर तरह के, यानी कि फर्म कह लीजिए, ठीक है, गुड्स का प्रोडक्शंस कह लीजिए, प्रॉपर्टीज़ कह लीजिए, वो सारा का सारा गवर्नमेंट अपने पास रखती थी और अपने तरीके से करती थी, यानी कि पूरा का पूरा एक तरीके से पब्लिक सेक्टर का रोल प्ले। अब यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी में सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था कि यहाँ पर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो सोसाइटी को देख करके लिए जाते थे, लेकिन सोसाइटी में देखने के फ़र्क क्या थे यहाँ पर, जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। लाइक आपने देखा होगा भंडारा होता है, तो भंडारे में ना प्रसाद बट रहा है, और प्रसाद बांटने के लिए आपको पहले प्रसाद बनाना पड़ता है, और मान लीजिए आप प्रसाद बनाने जा रहे हैं और आलू का पूरा कट्टा है, तो आप उसमें कुछ अगर आलू सड़े हुए भी होंगे ना तो भी आप डाल देंगे उसके अंदर। तो यानी कि फिर इसी तरीके से अगर लाइक कोई प्रॉपर्टी है वो आपकी प्रॉपर्टी तो नहीं है, आपको काम करना है, काम करें चाहे काम ना करें तो भी आपको क्या मिलेगा, वेजेस मिलेंगे ही मिलेंगे उसके बदले में। तो कहने का मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी के बहुत सारे ड्रॉबैक्स ऑलरेडी इंडिया देख चुका था। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इंडियन इकोनॉमी जो थी जहाँ पर रिचर क्लास, मिडिल क्लास और पुअर क्लास बहुत ज़्यादा सर्वाइव करता था 1947 के टाइम में, तो कहने का मतलब जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये मोटो था कि उन्होंने सोचा कि हम अपने इकोनॉमी को एक ऐसा मॉडल बनाते हैं जहां पर गवर्नमेंट की भी अंडरटेकिंग रहे और मार्केट की भी अंडरटेकिंग रहे, यानी कि जितना ज़्यादा हो सके वो गवर्नमेंट का भी प्रोडक्शन का रोल प्ले हो, और अगर हो सके तो प्राइवेट सेक्टर्स भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, जिससे कहीं ना कहीं जो एक डिसीजन होगा, इकोनॉमिक डिसीजंस, वो क्या रहेगा, एक फ्रूटफुल मीनिंग में हम लोग सोसाइटी को भी देख पाएंगे और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी देख पाएंगे। तो इसीलिए इंडिया ने क्या करा, मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल अडॉप्ट किया। अब ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी वो होती है वेयर ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस लाइक क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, कैसे प्रोड्यूस होना चाहिए और किसके लिए होना चाहिए, तो वो दो तरीके से देखा जाता है, एक मार्केट फोर्सेस के एंड गवर्नमेंट फोर्सेस के थ्रू। अगर आपको इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल देखना है, अगर इंडिया के मॉडल को समझना है मिक्स्ड इकोनॉमी का, तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझता हूँ। लाइक मान लीजिए कोई एक ब्लड टेस्ट है, ठीक है, ब्लड टेस्ट या COVID-19 का टेस्ट है जो कि बहुत महंगा है सोसाइटी के अंदर, तो आपको पता है कि अगर महंगा है तो मैं तो नहीं करा सकता क्योंकि मैं गरीब हूँ, या मान लीजिए आप अमीर हैं आप जाकर करवा लेंगे, तो जिनके पास पैसा है वो तो करवा लेंगे, जिनके पास पैसा नहीं है वो तो नहीं करवा पाएंगे। तो अब मान लीजिए वो बहुत ही लाइफ के लिए नेसेसरी हो गई है, अब वो टेस्ट क्या है कि हर किसी को करवाना ही है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि पहले जो मार्केट के अंदर रेट था वो तो मार्केट ने डिसाइड कर लिया, बट अगर जब गवर्नमेंट को लगता है कि अगर वो चीज़ क्या करेगी, यानी कि लोगों के वेलफेयर के लिए है, तो गवर्नमेंट क्या करती है उसके अंदर इंटरवेंट करती है और इसके प्राइसेस को क्या करती है, फिक्स कर देती है। फिर जैसे कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान समझें तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट सेकंड टाइम में आ रही है। सेम एज इट इज अगर चीन के अंदर बात करते हो, चीन का क्या रूल है कि पहले जितना गवर्नमेंट को चाहिए वो ले लेती है, देन मार्केट के अंदर छोड़ती है। बट इंडिया क्या करता है, इसका बिल्कुल अपोजिट करते हैं। हम चाइना को कैपिटलिस्ट में नहीं रखेंगे, याद रखिएगा चाइना एक कमांड इकोनॉमी है, तो आप कैपिटलिस्ट में रख सकते हैं लेकिन उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है यहाँ पर, कहने का मतलब। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, जहाँ पर इकोनॉमिक डिसीजंस सेंट्रल अथॉरिटी एंड मार्केट फोर्सेस दोनों से मिलकर के लिए जाते हैं, या आप सिंपल सा कह सकते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी है जिसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की और सोशलिस्ट इकोनॉमी दोनों के ही फीचर्स पाए जाते हैं। हालांकि ये बात सच है कि हर मॉडल के अगर मेरिट्स है तो डीमेरिट्स भी है। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी का क्या मीनिंग है। तो इसी तरीके से आप हमारे सारे चैनल्स को गो थ्रू कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में या चैनल के फीचर में सारे चैनल्स के लिंक हैं, और आप चाहें तो मेरे बुक्स और मेरे जो कोर्सेज हैं वो सारे हमारे ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी तरह के लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय, टाटा।